हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी विद बॉबी एंड आई एम बॉबी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लिवॉन सीरम का रिव्यू और इसे कैसे यूज करते हैं वो भी मैं बताऊंगी। क्या बेनिफिट है या फिर क्या डिसएडवांटेज है यूज करने के। सबसे पहले सीरम है क्या? सीरम एक लिक्विड इन कंसिस्टेंसी का सब्सटेंस होता है जो कि आप अपने हेयर लेंथ पे यूज करते हैं। वो कोई भी सीरम आप स्कैल्प में यूज नहीं कर सकते क्योंकि उससे फिर आपके हेयर डैमेज होंगे। और सीरम को अप्लाई कब करना होता है? तो जब आप शैम्पू करते हैं अपने हेयर का, मीन्स बाल को धोते हैं, उसके बाद कंडीशनर यूज करते हैं, फिर सीरम को यूज किया जाता है। सीरम हमेशा हल्के गीले बालों पे ही अप्लाई करें। अब हेयर सीरम के बहुत सारे बेनिफिट हैं। कोई भी सीरम आप यूज करें, बहुत से बेनिफिट है। जैसे आपके अगर हेयर फ्रिज होते हैं तो आप सीरम अप्लाई करके कॉम कीजिए तो उससे आपके हेयर जो है वो फ्रिज भी नहीं होंगे, फिर टैंगल फ्री हो जाएंगे। सीरम आप यूज करते हैं तो अगर आप सन में जाते हैं तो इससे आपके हेयर को सन प्रोटेक्शन भी मिलता है, देन पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करता है क्योंकि एक लेयर बना देता है आपके हेयर पे ये सीरम। फिर है कि अगर कोई आप स्टाइलिंग टूल यूज करते हैं अपने हेयर के लिए, जैसे कि सपोज कर्ल कर रहे हैं या स्ट्रेट कर रहे हैं अपने हेयर को, तो सीरम लगा के अगर आप स्टाइलिंग टूल को यूज करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके हेयर में हीट से प्रोटेक्शन होगा, हेयर जो है वो डैमेज नहीं होगा। अब मैं आपको लिवॉन सीरम का रिव्यू देती हूँ। ये इस तरह के एक कार्डबोर्ड के पैकेट में आता है, आप देख सकते हैं। और इसके चारों तरफ इसका यूज क्या है, क्या क्या इसमें है, वो सभी चीज लिखा हुआ होता है। ये इस तरह से है। अब इसकी पैकेजिंग देखिए, ये इस तरह के एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के कंटेनर में है और ये 100 ml का है। इसकी प्राइस है 230 rupees। मैंने ये 100 ml का लिया हुआ है। इसमें और भी बहुत से छोटे ट्यूब आते हैं, जैसे कि 50 ml का भी आता है, 20 ml का भी आता है लिवॉन सीरम, तो आप कोई भी ट्राई के लिए ले सकते हैं। तो मैंने पहले ट्राई के लिए छोटा वाला ही लिया था बट मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैंने फिर ये वाला लिया। आप में से बहुत से लोग इसे यूज कर ही रहे होंगे। ये लिक्विड टाइप में है, इसकी कंसिस्टेंसी ऑयल लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है। ये लिवॉन सीरम है और इनरिच्ड विथ विटामिन ई है ये, और इसमें लिखा हुआ है कि ये कंट्रोल करता है आपके फ्रिज को, हेयर के फ्रिज को ईज आउट करता है, जो भी टैंगल्स होते हैं उसे रिड्यूस करता है, ब्रेकेज को, एंड गेट शाइनी एंड सिल्की हेयर। ठीक है, तो इसके यूज करने से आपको क्या क्या फायदे हैं वो इसमें लिखा हुआ है। फर्स्ट में है कि ये लाइट वेट फॉर्मूला है, लाइट वेट है इसमें और माइल्ड फ्रेग्रेंस है। तो जब भी आप कोई सीरम यूज करते हैं तो आप मेक श्योर करें कि वो आपके स्कैल्प में नहीं जाए, क्योंकि कोई भी सीरम जो है वो आपके रूट के लिए नहीं होता है, मीन्स हेयर रूट के लिए नहीं होता है। उसे आप साफ में यूज कर सकते हैं, जो टिप पोशन है उसमें यूज कर सकते हैं। अब मैं इसे अप्लाई करके बताती हूँ कि आप सीरम को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये इस तरह से ओपन होता है, आप देखिए, और ऐसे लेना है आपको, देख सकते हैं। नाउ इसे रब करें दोनों हैंड में और आपके जो हेयर लेंथ है बस वहां पे आपको ये अप्लाई करना है, दोनों साइड में इस तरह से। और जब भी सीरम आप अप्लाई करते हैं तो आपको हल्के गीले बालों पे ही अप्लाई करना है, जिससे कि आपका हेयर जो और स्मूथ लगेगा। मेरा हेयर अभी थोड़ा गीला है इसलिए ये अभी ज्यादा दिख नहीं रहा है, बट जब आप सीरम यूज करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे आपके जो हेयर है उसमें बहुत, देखिए आप, शाइन बहुत आता है, इससे देख सकते हैं। कि आपको हेयर सीरम को कभी भी थोड़े से अमाउंट में ही अप्लाई करना है अपने हेयर पे, बहुत ज्यादा नहीं अप्लाई करना है। हेयर सीरम को आप अपने हेयर लेंथ के अनुसार ले सकते हैं, जितना आपका, अगर सपोज बहुत ज्यादा लॉन्ग हेयर है तो आप थोड़ा ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं, और शॉर्ट हेयर है तो कम अप्लाई कर। सेकेंड है कि आपको हेयर सीरम को डेली बेसिस पे यूज नहीं करना चाहिए, इससे आपके हेयर डैमेज होते हैं। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आप जब भी हेयर सीरम यूज कर रहे हैं तो आप उसे स्कैल्प में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करें, नहीं तो आपके जो स्कैल्प है उसमें इचिंग भी होंगे और बहुत ज्यादा ऑयली डैंड्रफ भी हो जाएगा और ऑयली भी दिखेगा। तो इसलिए हेयर सीरम को हमेशा अपने हेयर लेंथ पे ही अप्लाई कीजिए।
और ट्रस्ट मी, आप लिवॉन सीरम को एक बार ट्राई कीजिए, आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा। अब अगर आप ये हेयर सीरम नहीं ले सकते या फिर नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप रोज वाटर और एलोवेरा जेल को मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं एज अ हेयर सीरम। बट आपको आफ्टर कंडीशनिंग ऑफ हेयर, जब आप शैम्पू करते हैं फिर कंडीशनर लगाते हैं, उसके बाद आपको हेयर सीरम जरूर से अप्लाई करना चाहिए। इससे आपके हेयर सिल्की शाइनी और स्मूथ दिखेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप कॉम करेंगे, क्योंकि इससे आपके हेयर कॉम भी बहुत जल्दी हो जाएंगे और फ्रीज और टैंगल से फ्री हो जाएंगे। तो ये था ऑल अबाउट हेयर सीरम और लिवॉन सीरम। आप कोई भी हेयर सीरम अप्लाई कीजिए, बट आई लाइक लिवॉन सीरम, मुझे ये बहुत पसंद है, तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।